हाय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लेडी की कहानी को बताएंगे जिसके साथ एक एलियन टपाटप करता है और ये लेडी एक एलियन बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। आइए देखते हैं इस लेडी के साथ आगे क्या होगा। मूवी की स्टोरी काफ़ी हॉरर और इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको पसंद भी आए। लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आखिरी में लाइक कर दीजिएगा। मूवी का नाम है बेबी ब्लड। फिल्म की शुरुआत एक सर्कस से होती है जहां काफ़ी सारे जानवर होते हैं। तभी वहां एक ट्रक सर्कस में आता है। ट्रक वाला आदमी सर्कस के मैनेजर को ढूंढने लगता है और वो मैनेजर की बस में जाकर झांकने लगता है। अंदर मैनेजर की वाइफ कपड़े बदल रही थी और उसका नाम याका होता है। ट्रक ड्राइवर को देखकर याका उसे गाली देती है और खिड़की बंद कर देती है। तभी सर्कस का मैनेजर यानी याका का पति बाहर आता है और मैनेजर को जागता देख उसे पेलने लगता है। तभी याका भी बाहर आती है पर मैनेजर उसे भी पेल कर अंदर भेज देता है। अब रात में हम मैनेजर को सर्कस के अंदर देखते हैं। यहाँ एक आदमी टाइगर को ट्रेनिंग दे रहा था। मैनेजर उसको याका के बारे में पूछता है। असल में याका भी एक टाइगर ट्रेनर होती है और वो आज लेट हो गई थी। तभी भागते हुए वहाँ याका आती है। मैनेजर उस पर बहुत गुस्सा करता है और धक्का देकर टाइगर वाले पिंजरे में भेज देता है। लेकिन टाइगर याका पर हमला कर देता है और याका रोते हुए सर्कस से बाहर आ जाती है। वहीं पर वो ट्रक ड्राइवर भी होता है और वो याका के पीछे जाता है। अगले ही पल याका और ट्रक ड्राइवर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी मैनेजर वहाँ आने लगता है और डर कर वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मैनेजर समझ जाता है कि याका यहाँ क्या कर रही थी और फिर वो याका का मारने लगता है और याका वहाँ से चली जाती है। आगे सर्कस के टाइगर को कोई मार देता है और सर्कस के सभी लोग उस किलर को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं याका अपने केबिन में सो रही थी। तभी उस पर ऊपर वाली खिड़की से टेंटिकल्स आते हैं और वो याका के पास आकर उसकी सिमसिम में घुस जाता है। असल में एक टेंटिकल्स एक एलियन होता है और वो याका की चैनी खैनी बनाने लगता है। तभी याका उठ जाती है और उसे महसूस होता है कि उसकी सिमसिम में कुछ चला गया है और याका समझ नहीं पाती उसके साथ क्या हुआ है। अगली सुबह याका की तबीयत खराब हो जाती है और वो एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ चेकअप के बाद याका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसे अब बहुत डर लगता है क्योंकि उसका पति यानी मैनेजर उसे बहुत टॉर्चर करता था। इसलिए याका अब अपना सामान पैक करके वहाँ से भाग जाती है। अब इस बात को एक महीना हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को एक टैक्सी में देखते हैं जो याका को ढूंढते हुए एक शहर में आता है और मैनेजर को याका का एड्रेस मिल जाता है। आगे मैनेजर जब याका के पास जाता है तो वहाँ उसे याका मिल जाती है। मैनेजर याका को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी याका उस मैनेजर के पेट में चाकू मार देती है और याका मैनेजर को मारने ही वाली होती है, लेकिन याका रुक जाती है और हम व्यूअर्स एक आवाज़ सुनते हैं जो याका को उस मैनेजर को मारने के लिए कहती है। असल में ये आवाज़ याका के अंदर उस एलियन बच्चे की होती है और याका उस एलियन से ही प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन याका उस एलियन बच्चे की आवाज़ नहीं सुनती। अगली सुबह याका सबसे पहले उठकर अपनी बॉडी से ब्लड को साफ करती है और रात में ही वो मैनेजर भी तड़प कर गया होता है। अब फिर से याका को अपने पेट से एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे मैनेजर का ब्लड पीने के लिए कहती है। लेकिन याका ऐसा करने से मना कर देती है और तंग आकर वो खुद को मारने लगती है। लेकिन वो एलियन बेबी याका को सुसाइड नहीं करने देता। इसके बाद याका मैनेजर पर फिर से हमला करती है और उस मैनेजर का ब्लड पी लेती है। आगे जब याका बहुत परेशान होती है और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है, रास्ते में याका को सड़क पर एक शराबी मिलता है और वो एलियन बेबी याका को उसे भी मारने के लिए कहता है। लेकिन याका इस बार कुछ भी करने से मना कर देती है और सुसाइड करने के लिए एक नदी में कूद जाती है। मगर इस बार भी वो एलियन बेबी याका की सुसाइड नहीं करने देता और अब वो बेबी याका से बात करता है और बताता है कि कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो भी एक बेबी है। बस वो उसकी बॉडी को यूज़ कर रहा है ताकि वो एक फिजिकल फॉर्म में आ सके। इसके बाद सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर याका से लिफ्ट के लिए पूछता है और याका ट्रक में बैठ जाती है। आगे ये ट्रक ड्राइवर भी याका के साथ टपाटप करने की फिराक में होता है। ड्राइवर ट्रक को एक पेट्रोल पंप में जाकर रोकता है जहाँ पर उसका एक दोस्त दो लड़कियाँ लेकर आता है और वो ट्रक ड्राइवर याका को उतार देता है और वो दो लड़कियों को लेकर चला जाता है। अब इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं और हम याका को देखते हैं जो अब खर्चा चलाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करने लगी है। और एक दिन उस रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है, उसका नाम रिचर्ड होता है। वो याका को पहली नज़र में देखकर पसंद कर लेता है और याका जब बेसमेंट में जाती है तो वो उसके पीछा करते हुए उस बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में अंधेरा होता है और अचानक से रिचर्ड को कोई काट लेता है और वो चिल्लाने लगता है। अब वहाँ रेस्टोरेंट की ओनर आती है, वो रिचर्ड की गर्लफ्रेंड होती है। वो रिचर्ड को लेकर वापस ऊपर चली जाती है।
इसके बाद हम बेसमेंट के दरवाजे के पीछे याका को देखते हैं जिसके मुंह में ब्लड लगा होता है, मतलब याका ने ही रिचर्ड को काटा था। आगे हम याका को बाहर सड़क पर देखते हैं और वो एलियन बेबी याका से बात करता है और वो याका को किसी का शिकार करने के लिए कहता है। फिर याका एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ रिचर्ड आ जाता है और याका और रिचर्ड वहाँ एक साथ डिनर करते हैं और बातों ही बातों में रिचर्ड याका को बताता है कि पहले वो एक सर्कस में जोकर का रोल करता था। ये बात सुनकर याका इमोशनल हो जाती है और उसे अपने वो सर्कस वाले दिन याद आते हैं। अब दोनों बाहर आते हैं और रिचर्ड याका को टच करने लगता है और उसके साथ घर चलने के लिए कहता है, पर याका उसे मना कर देती है। पर वो एलियन बेबी याका को रिचर्ड का शिकार करने को कहता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब याका अपने रेस्टोरेंट की जॉब करके सड़क पर आती है और वो एलियन बेबी याका को एक आदमी का पीछा करने के लिए कहता है, पर याका उस आदमी का पीछा करने लगती है। पर वो आदमी समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रही है। वो आदमी याका के सामने आता है और उसे लगता है कि याका उसे पसंद करती है और वो आदमी याका को किस करने लगता है, लेकिन याका एक चाकू निकालती है और उस आदमी की गर्दन में भोंक देती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं तो याका उस आदमी को किस करने का नाटक करने लगती है और जैसे ही सब चले जाते हैं तो याका यहाँ से भाग जाती है। याका यहाँ से अपने घर आती है तो उसे अपने घर के बाहर रिचर्ड बैठा मिलता है और दोनों फिर घर में जाकर एक दूसरे की बजाते हैं, वो एक दूसरे की कमाल की चैनी खैनी बनाते हैं। अगली सुबह याका सिगरेट का सुट्टा लगा रही होती है तो वो एलियन बेबी उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पेट में हूँ और तुम्हारी हर एक्टिविटी का डिसीज़न मैं लेता हूँ। याका बहुत परेशान हो जाती है और वो फिर से चाकू लेकर खुद को मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और याका को रोक देता है। रिचर्ड याका से कहता है, तुम क्यों मर रही हो जबकि हम एक दूसरे की मार सकते हैं, हमेशा एक साथ रह सकते हैं। लेकिन वो एलियन बेबी याका से रिचर्ड को मारने के लिए कहता है और याका अब चाकू लेकर रिचर्ड को ही मार देती है। तो बच्चों, क्या सीखने को मिला? अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे करने दो, वरना आप भी मर सकते हो। आगे याका के घर पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो जानती थी रिचर्ड यहीं पर है और वो रिचर्ड को ढूंढने लगती है। जब गर्लफ्रेंड उसी कमरे में जाती है तो याका उसे अंदर से लॉक कर देती है और याका वहाँ से भाग जाती है। अब इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं और एक आदमी सड़क पर टैक्सी को बुलाता है और एक टैक्सी आकर रुकती है। उस टैक्सी का ड्राइवर याका होती है। हम याका को देखते हैं जिसका पेट भी बड़ा हो गया था। इसका मतलब एलियन बेबी अभी भी याका की बॉडी में था और वो एलियन याका को सड़क पर चल रहे एक आदमी को मारने के लिए कहता है और याका टैक्सी की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन वो पैसेंजर याका को टैक्सी रोकने के लिए कहता है और याका उसे पीटकर बेहोश कर देती है। लेकिन तभी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और याका एक आदमी को ठोक देती है और इसके बाद याका टैक्सी से बाहर निकलकर उस आदमी को मार देती है। अगली सुबह हम फिर से याका को देखते हैं जो बहुत थकी होती है और टैक्सी में ही सो जाती है। याका को यहाँ एक सपना आता है जिसमें वो एलियन बेबी याका का पेट फाड़कर बाहर आ रहा था। याका बहुत डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। आगे याका की टैक्सी स्टार्ट नहीं होती तो याका बोनट खोलकर चेक करने लगती है। तभी वहाँ एक मैकेनिक आदमी याका की हेल्प के लिए आता है, लेकिन तभी याका की हालत ख़राब हो जाती है। इस आदमी को लगता है कि याका की डिलीवरी का समय आ गया है और वो एक दूसरी कार को रोककर याका को हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। तभी याका को होश आता है और वो गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी ये गाड़ी भी डिसबैलेंस होकर टकरा जाती है और सभी मर जाते हैं। लेकिन याका अभी भी सही सलामत होती है, पर याका की हालत अभी भी ख़राब होती है और वो वहीं पर होश हो जाती है। इसके बाद जब याका को होश आता है तो उसके पास एक ओल्ड लेडी बैठी होती है। वो ओल्ड लेडी याका को बताती है कि उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक है। तभी याका उस लेडी से फोन मांगती है और फोन की वायर से ही याका उस ओल्ड लेडी को भी मार देती है और यहाँ से भागकर एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। यहाँ याका उस एलियन बेबी से बात करती है और उस एलियन को बताती है कि तुम तो पैदा होते ही मर जाओगे क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए नहीं है। तभी वो एलियन बेबी याका को बताता है कि अगर वो मर भी गया तो वो समुद्र में जाकर दोबारा से पैदा हो जाएगा। वो एलियन बेबी याका को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने के लिए कहता है क्योंकि उसकी ग्रोथ ब्लड से ही होती है, पर याका उसे और लोगों को मारने से मना कर देती है। अब वो बेबी याका को एक एम्बुलेंस में जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर उसे आसानी से ब्लड मिल जाएगा और याका एक बच्चे से उसकी टॉय गन को छीन लेती है और उस एम्बुलेंस में चढ़ जाती है। एम्बुलेंस में एक आदमी को ब्लड दिया जा रहा था और याका इस ब्लड वाले पैकेट को लेकर पी जाती है। आगे याका इस एम्बुलेंस को ड्राइव करके समुद्र की ओर निकल जाती है। रास्ते में याका उस एलियन से पूछती है कि वो समुद्र में जिंदा कैसे रहेगा, तो वो एलियन उसे बताता है कि वो वहाँ छिप कर रहेगा
और 5,000 साल बाद खुद को ह्यूमन की तरह डेवलप कर लेगा। ये सब सुनकर याका हंसने लगती है और पीछे उसे पेशेंट को होश आ जाता है। वो याका पर हमला कर देता है और एम्बुलेंस डिसबैलेंस हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। वो पेशेंट तो वहीं मर जाता है लेकिन याका फिर से बच जाती है और दूसरी एम्बुलेंस याका को हॉस्पिटल लेने आ जाती है। याका होश में आकर सबसे पहले पास वाले डॉक्टर को ही मार देती है। फिर जब एम्बुलेंस का ड्राइवर रुककर ये देखने जाता है तो याका सिलेंडर से उसे भी मार देती है। अब याका की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद याका एक बेबी को जन्म देती है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखता है और याका पास खड़ी एक गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती है। आगे याका की गाड़ी रुक जाती है और वो पास बने एक पेट्रोल पंप में जाती है। वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल पंप में एक बस आकर रुकती है और एक पैसेंजर याका की गाड़ी के पास आता है। तभी वो एलियन बेबी पैसेंजर को खींचने लगता है। याका ये सब देख लेती है और उस आदमी को छुड़ाने के लिए आती है, लेकिन अब तक वो एलियन बेबी उस आदमी को खा चुका था और वो आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद याका उस एलियन बेबी की स्किन देखती है, मतलब वो एलियन बेबी अब डेवलप हो चुका और याका को उस बस तक खून फैला दिखता है। याका अब इस बस में चढ़ जाती है और बस में याका को एक लड़का परेशान करने लगता है और फिर सभी याका के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। याका सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि इस बस में एक एलियन बेबी है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी हम उस एलियन बेबी को देखते हैं जो बस ड्राइवर पर अटैक करके उसे मार देता है और सभी पैसेंजर एलियन देखकर बहुत डर जाते हैं। अब याका उस बस को ड्राइव करने लगती है और जब याका उस एलियन की तरफ देखती है तो बस डिसबैलेंस हो जाती है और पूरी बस में आग लग जाती है। आगे हम एलियन को देखते हैं जो समुद्र तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत ही अलग थी और अगर आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको ऐसी और भी मूवीज़ लेकर आते रहेंगे और अगर पसंद नहीं आई तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको कैसी मूवी पसंद है। अरे फिर जल्दी ये देखो, कर लो ना चैनल सब्सक्राइब। कितना प्यार करती हूँ मैं आप सभी से। गुड बाय।